please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चौरहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले दो महीने से चार बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं और सिर्फ 8 दिन में 15 मंदिर, 3 दरगाह और 2 चर्च में प्रार्थना कर चुके हैं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी गुजरात वाला प्रयोग वहां भी दोहराना चाहते हैं, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। गुजरात में राहुल का झुकाव सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर था, तो कर्नाटक में वो सर्वधर्म संभाव का संदेश देते नजर आ रहे हैं। कारवां निकल पड़ा है कर्नाटक के शहर शहर में। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर है। हो भी क्यों ना, माहौल चुनावी है। और कांग्रेस के सरताज आज उनके बीच है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक की जमीन पर राजनीति के नए समीकरण गढ़ रहे हैं। चुनावी बिसात पर अपने प्रतिद्वंद्वी बीजेपी को मात देने के लिए उसी की चाल चल रहे हैं, लेकिन अंदाज थोड़ा बदला हुआ है। तभी तो वो कभी धोती पहनकर मंदिर में दर्शन करने पहुंच जाते हैं, तो कभी जियारत करने के लिए दरगाह पर दस्तक देते दिखते हैं, कभी चर्च में प्रार्थना करने जाते हैं। तो कभी राजनीतिक असर रखने वाले मठों में सिर झुकाते हैं। यानी कर्नाटक वाले राहुल गांधी गुजरात वाले राहुल गांधी से बिल्कुल अलग है। गुजरात में मंदिर मंदिर घूमने वाले शिवभक्त राहुल गांधी अचानक मस्जिदों, चर्च और दरगाहों की बात क्यों करने लगे? गुजरात में माथे पर तिलक लगाकर पूरे दिन चुनाव प्रचार करने वाले राहुल गांधी कर्नाटक में दरगाह पर जियारत क्यों करने लगे? और जिस राहुल गांधी को जनेऊधारी हिंदू साबित करने में कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया था, वो राहुल गांधी मैंगलोर में चर्च में प्रार्थना क्यों करने लगे? आखिर राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व से सर्वधर्म संभाव की तरफ क्यों बढ़े? ये जानने के लिए हम खुद आ पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो यानी कर्नाटक में। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 महीने में 4 बार कर्नाटक के अलग अलग शहरों का दौरा कर चुके हैं और कांग्रेस की कमान संभालने के बाद पहली बड़ी परीक्षा में बैठने जा रहे राहुल हर शहर में धार्मिक स्थलों की परिक्रमा कर रहे हैं। शनिवार को वो मैसूर के चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे हैं। इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि ये 12वीं शताब्दी में होयसल राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे बाद में विजयनगर साम्राज्य ने भव्यता प्रदान की। पिछले 2 महीने में ये राहुल का 15वां मंदिर दर्शन। नवरात्र के मौके पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है और इस दौरान चामुंडेश्वरी देवी के दर्शन से लाखों भक्तों तक राहुल ने अपना सियासी संदेश पहुंचा दिया है। भारत में धर्म और राजनीति का घालमेल सदियों पुराना है। धर्म के सहारे राजनीति साधी जाती है और राजनीति के सहारे धर्म।
90 के दशक में निर्णायक मंदिर आंदोलन के बाद तो धर्म और सियासत का रिश्ता और भी गहरा हो गया है। धर्म के सहारे राजनीति साधने का प्रयोग कांग्रेस गुजरात में कर चुकी है, लेकिन वहां राहुल सिर्फ मंदिरों के चक्कर लगा रहे थे। राजनीतिक पंडितों ने इसे कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुकाव करार दिया, लेकिन राजनीति की बिसात और मोहरे बदले तो राहुल ने अपनी चाल भी बदल ली। कर्नाटक का सियासी कण गुजरात से अलग है, यहां सिर्फ मंदिरों में दर्शन से बात नहीं बनेगी, लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष मैंगलोर दौरे पर पहुंचे तो कर्नाटक के सबसे पुराने रोसेरियो चर्च की प्रार्थना में भी शामिल हुए। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि राहुल गांधी चर्च के अंदर बैठे हुए हैं, जो एक बड़ी सी स्क्रीन है वहां पर उनकी तस्वीर दिखाई जा रही है, और बाहर सैकड़ों की संख्या में तमाम लोग हैं जो राहुल गांधी को देख पा रहे हैं और शायद उनको सुन भी पाएंगे। सिद्धारमैया के साथ राहुल गांधी का यहां आना दिखाता है कि 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे हैं। मैंगलोर दौरे में राहुल हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र कोकरनाथेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। दलित समुदाय में इस मंदिर की खास मान्यता है, क्योंकि सामाजिक आंदोलनों के दौर में कर्नाटक के दलितों को सम्मान और उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई में कोकरनाथेश्वर मंदिर ने अहम भूमिका निभाई थी। कर्नाटक में दलितों की आबादी 18% है। कोकरनाथेश्वर मंदिर में दर्शन करके इस वक्त निकल रहे हैं बाहर, एक दूसरे मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। कोकरनाथेश्वर मंदिर के बारे में मशहूर है कि नारायण गुरु ने लगभग 100 साल पहले 1912 में इस मंदिर की स्थापना की थी। जिस तरह से पिछड़े और दलित जो वोट बैंक है काफ़ी अच्छी खासी तादाद में है। राहुल गांधी सबसे पहले चर्च गए थे, उसके बाद फिर अब वो इस मंदिर आए, इसके बाद वो दरगाह भी जाने वाले हैं। तो राहुल गांधी एक तरह से कोशिश ये कर रहे हैं कि सर्वधर्म संभाव का संदेश दें और सभी तबकों में सभी धर्मों में वो बराबर की हिस्सेदारी अपनी पार्टी के लिए सुनिश्चित कर सके आने वाले विधानसभा चुनाव में। सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुकाव होने के बाद से राहुल कई मौकों पर खुद को शिव भक्त बता चुके हैं। मैं शिव का भक्त हूँ, मैं सच्चाई में बिलीव करता हूँ। दरअसल गुजरात में मिली सफलता के बाद राहुल ये प्रयोग जारी रखना चाहते हैं, लेकिन 2019 चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने हिंदुत्व की धार को थोड़ा मध्यम किया है। 2019 में कांग्रेस को कई पार्टियों से चुनाव पूर्व सहयोग की जरूरत पड़ सकती है, लिहाजा कर्नाटक में राहुल सर्वधर्म संभाव की बात कहने लगे हैं। हालांकि अभी तक के दौरे में राहुल किसी मस्जिद में नहीं गए, जबकि कर्नाटक में मुस्लिमों की तादाद करीब 12% है। मैंगलोर दौरे में वो उल्लाल के सैयद मदनी की दरगाह पर मत्था टेकने पहुंचे थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मैंगलोर से लगभग 20 किलोमीटर दूर उलाल दरगाह पहुंचे हैं। इस दरगाह के बारे में मान्यता है कि सैयद मदनी, जो सऊदी अरब के मदीना नामक शहर के थे, वो 500 साल पहले वहां से समुद्र पर एक कपड़े के ऊपर तैरते हुए इस जगह पे आए थे और यहां के पास की एक मस्जिद में वो रहने लगे थे। एक तरह से जो माइनॉरिटीज़ का मुस्लिम वोट बैंक है उसकी तरफ भी राहुल गांधी का ध्यान है। सबसे पहले वो चर्च गए थे, उसके बाद मंदिर गए और अब वो दरगाह आए हैं। कर्नाटक में राहुल की इस रणनीति के पीछे बड़ी वजह है। 2014 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद कई राज्यों में मिली हार ने कांग्रेस को एहसास करा दिया कि बीजेपी के हिंदुत्व के आगे कांग्रेस की मुस्लिम परस्त छवि नाकाम साबित हो रही है। हार के कारणों की समीक्षा के लिए बनी एके एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया कि मुस्लिम परस्त छवि नहीं कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है। चार साल तक एंटनी कमेटी की ये रिपोर्ट इसलिए धूल फांकती रही क्योंकि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता का दामन नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन एक के बाद एक राज्यों में चुनावी हार ने कांग्रेस को गुजरात में सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रयोग के लिए मजबूर कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की राह तैयार करते वक्त राहुल संतुलन का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। इस जन आशीर्वाद यात्रा में उनके ज्यादा दौरे मंदिरों के ही हो रहे हैं। चिकमंगलूर के श्रृंगेरी मठ में देवी शारदम्बा के दर्शन करके उन्होंने कांग्रेस की विरासत को ही आगे बढ़ाया है।
यहाँ पर सबसे पहले वो माँ शारदम्बा का दर्शन करेंगे, उसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य से मुलाकात करेंगे और वेद पाठशाला के छात्रों से भी मुखातिब होंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, उनके परिवार के लिए राजनीतिक महत्व भी जबरदस्त है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जब 1978 में चिकमंगलूर से चुनाव लड़ी थी, उसके बाद उनकी धमाकेदार वापसी हुई थी सत्ता में, उसके बाद प्रधानमंत्री वो बनी थी, तो चिकमंगलूर से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने रिवाइव किया था एक तरह से। और कहा यह भी जाता है कि जब इंदिरा गांधी यहाँ पर आई थी, शंकराचार्य से मुलाकात कर रही थी माँ शारदम्बा टेम्पल में, तो जो शंकराचार्य थे उन्होंने ही सुझाया था कि माँ शारदम्बा का जो हाथ है आशीर्वाद वाला, वहां से वो पार्टी का सिंबल चुने और इंदिरा गांधी ने पार्टी का सिंबल चुना था। श्रृंगेरी मठ में राहुल ने परंपरा के मुताबिक अपने सिले कपड़े उतार कर धोती धारण कर ली, लेकिन सिर्फ चोला ही नहीं बदला, राहुल की तैयारी उस राजनीतिक समीकरण को भी बदलने की है जिसके तहत कर्नाटक की जनता हर 5 साल बाद सरकार बदल देती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने चुनावी पत्ते खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने लिंगायत समुदाय को अलग धर्म की मान्यता देने का दांव चला है। इससे 18% की आबादी वाले लिंगायत समुदाय को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हर जगह तो उनका भावना तो वही है, हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं, सबके लिए भलाई के लिए प्रे करते हैं। फर्क क्या है कि राहुल गांधी जी आज मंदिर जा रहे हैं, कल कहीं और जाएंगे, ये गुमराह करने का जो कांग्रेस का पेशा है उसी को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी साख बहुत कमजोर है। गुजरात में पहली बार हिंदुत्व का प्रयोग कांग्रेस के लिए कारगर सिद्ध हुआ था, अब कर्नाटक में कांग्रेस सर्वधर्म संभाव के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की तैयारी में है। मुश्किल ये है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के इम्तिहान में भी राहुल को उतरना है, इसीलिए कर्नाटक में उनके एक एक कदम पर पूरे देश की नजर है। कर्नाटक में मुस्लिम और क्रिश्चियन वोटरों की संख्या के मद्देनजर राहुल गांधी चर्च और दरगाह में हाजिरी लगा रहे हैं। 2019 तक राहुल गांधी हिंदुत्व का दामन छोड़े बिना ही सर्वधर्म संभाव का संदेश देते रहेंगे। अब संतुलन साधने की राहुल की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये चुनावी नतीजे खुद बखुद बता देंगे।